फिल्म के स्टार्टिंग में एक कंपनी का मैनेजर जिसका नाम होवांग होता है, वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से अपने एक नए स्टाफ से मिलाता है जिसकी कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। उसका नाम जंग जीहू होता है और उसी कंपनी में उस नाम से मैच खाती हुई एक लड़की भी होती है जिसका नाम जंग जीवू होता है। फिर उस कंपनी का बॉस जीवू से कहता है कि उसे अपने असिस्टेंट जीवू के साथ काम करना होगा और जीवू इस बात से बहुत गुस्सा थी। फिर लंच टाइम में उस कंपनी की लड़कियां वो जीहू से बात कर रही थी क्योंकि जीहू दिखने में बहुत हैंडसम था, जीवू भी उसे पसंद करती थी। फिर अगले दिन जीवू अपने गार्ड से अपने एक पार्सल के बारे में पूछता है क्योंकि उस पार्सल का मैसेज जीहू के फ़ोन में आया था। वो गार्ड बताता है कि उस पार्सल को कोई और ले गया है और दिखता है उस पार्सल को जीहू ले गई थी। इसके बाद वो दौड़कर जल्दी से जीहू के पास जाता है और जीहू तब तक उस पार्सल को खोल चुकी थी और वो उस पार्सल के अंदर एक बेल्ट को देखती है और ये देखकर वो हैरान होती है। फिर तभी वहाँ जीहू आया था और वो उस बेल्ट को जीहू से छीन लेता है। फिर घबरा कर जीहू कहता है कि मैंने ये बेल्ट अपने कुत्ते के लिए मंगाई है। फिर जीहू जब उस पेटी को बाहर फेंकने के लिए जाती है तभी वो जीहू के साथ टकरा जाती है और पेटी गिर जाती है और उस पेटी के अंदर एक बैनर मिलता है। उस बैनर में अडल्ट सोप का एडवर्टाइजमेंट था और तभी जीहू तुरंत नीचे बैठकर उसको छुपा लेता है। जीहू जब शाम को इवनिंग वॉक पर जा रही होती है तभी वो अडल्ट सोप की दुकान को देखती है और वहाँ रखी उसी तरह की बेल्ट वो वहाँ देखती है। फिर अगले दिन एक सॉरी का मैसेज जीवू को लिखता है लेकिन तभी वो देखता है कि जीवू ऑफिस में ही है और वो डिलीट करने की जैसे ही कोशिश करता है उस मैसेज को गलती से वो मैसेज सेंड हो जाता है और जीवू उस मैसेज को पढ़ लेती है। फिर जीवू जब वहाँ आती है तो जीहू अपना सर एक चीज़ से छुपा लेता है, एक टॉय से। जीवू को लगता है कि ये मैनेजर है, वो उसे निकालने की कोशिश करती है जो जीहू ने सर पर पहना हुआ था। जब जीवू उसे निकालती है तब वो देखती है कि ये तो जीहू है और वो पूछती है उससे ये सब क्या हो रहा है। तभी जीहू खांसने लगता है। जीहू कहती है कि तुम गिरे थे, शायद तुम्हें चोट लगी होगी और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में जीवू जीहू से उस मैसेज के बारे में पूछती है जो जीहू ने उसे भेजा था। जीहू कहता है कि तुम्हें सब पता चल गया है लेकिन तुम्हें ऑफिस में किसी को नहीं बताया, इसलिए मैंने तुम्हें थैंक यू कहा। जीहू कहती है कि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। ये सुनते ही जीहू खुश हो जाता है। इसके बाद जीहू से कहता है कि तुम मुझ पर हुक्म चला सकती हो, तुम मुझे अपना पालतू कुत्ता समझ सकती हो, तुम जो चाहो उससे करवा सकती हो, हम दोनों जो करेंगे वो खुल कर करेंगे। और वह जीहू का हाथ पकड़ लेता है। जीहू कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर जीहू कहती है कि वो कॉलर क्या तुमने अपने लिए मंगाया था। जीहू ये सुनते ही घबरा जाता है और जीहू उसे हैरान होकर देखने लगती है। इसके बाद रात को जीहू BDSM के बारे में सर्च करती है जिसका मतलब होता है बॉन्डेज डिसिप्लिन डोमिनेंस एंड सबमिशन। उसे पता चलता है कि जो दूसरे को ऑर्डर देता है उसे डोमिनेंट कहते हैं और जो कहना मानता है उसे सबमिशन कहते हैं। जीवू अपने दोस्त के यहाँ होती है जिसका नाम हेमी था और हेमी उसको देखकर बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि जीवू फ़ोन पर सर्च कर रही थी। फिर अगले दिन रात को पार्टी ख़त्म होने के बाद कार के पीछे जीवू रो रहा होता है। जीवू ये देखकर डर जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जीवू कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मेरे बारे में सच जानकर तुम्हें मुझसे नफरत होने लगी है। और वो कहता है कि मैंने ये बात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताई थी जिसका नाम आना था और वो मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर जीवू कहती है कि मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, बस मैंने समझा कि मेरे आसपास होने से आपको अजीब न लगे। और ये सुनकर जीहू खुश हो जाता है। जीहू कहता है कि तुम मेरी मास्टर बन जाओ लेकिन जीहू मना करती है। फिर जीहू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में जीहू को मैसेज में लॉन्ज रूम में मिलने के लिए बुलाती है। फिर जीहू लॉन्ज रूम में जीहू से मिलने के लिए जाता है। फिर जीहू से आंखों पर पट्टी पहनने के लिए कहती है। फिर जीहू खुशी खुशी उस पट्टी को पहन लेता है। इसके बाद उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है और वो उससे पूछती है कि तुम चाहते थे मुझ जैसी कोई लड़की तुम्हारी मास्टर बने, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जीहू कहता है कि तुम सबसे अलग हो और वो कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचें और मुझको देखकर भी तुमने मेरे बारे में गलत नहीं समझा। और वो कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। अपने घर में जाकर जीवू इंटरनेट पर वीडियो को देखकर और उसके बारे में पढ़ती है। DS का मतलब होता है कि डोमिनेंट एंड सबमिसिव रिलेशनशिप। DS
डॉम और सब के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। डॉम और सब में आदमी या औरत कोई भी हो सकता है। तब जीहू को पता चलता है कि जीहू सबमिसिव है। फिर वो जब वीडियो देखती है तब वो हैरान हो जाती है। उस वीडियो में एक आदमी एक औरत को पीट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ घर में जीहू बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे मास्टर मिल गया था। फिर अगले दिन जीहू को बताती है कि हमें कुछ रूल बनाने होंगे, ये उसने इंटरनेट पर देखा था। पहला नियम था कि हुक्म चलाओ और शर्त बताओ। तब जीहू एक ग्लासेस जीहू को गिफ्ट करती है और वो कहती है कि अगर कभी ऑफिस में तुम्हें ऑर्डर चाहिए तब इसे पहन लेना। फिर जीहू उन ग्लासेस को पहन लेता है। फिर जीहू एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए था। फिर जीहू और जीहू एक सेफ वर्ड को सोचते हैं ताकि उस वर्ड का यूज़ वो खतरे के हालात में कर सके। जब ये सेफ वर्ड बोला जाएगा तब उस रूल को वहीं ख़त्म करना होगा। तब जीहू उस सेफ वर्ड का नाम सोचती है जो था धुंगधुंग। इसके बाद जीहू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। इसके बाद जीहू और जीहू होटल में एक रूम पे जाते हैं और वहाँ जीहू वो पट्टा जीहू के गले में बांध देती है और जीहू उसके साथ डॉग प्ले खेल रही थी और वो उसे बात करने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि तुम डॉग हो और डॉग बन के रहो, और वो उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट देती है। फिर वो भौंकने लगता है एक कुत्ते की तरह। जीहू उसे चुप होने के लिए कहती है। तभी बाहर दरवाजे पे होटल की मैनेजर आ जाती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि हमें कंप्लेन आई है कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है। फिर वो होटल से चले जाते हैं। फिर ऑफिस में जीहू से कहती है कि कल मैं पूरी तरह तैयार नहीं थी। फिर अगला प्लान जीहू बनाता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जीहू एक रेड कलर की सैंडल जीहू को गिफ्ट करता है और उसे पहनने के लिए बोलता है। फिर जीहू उस सैंडल को पहनती है और जीहू की पीठ पर अपना पैर रखती है और उस सैंडल की नोक जीहू की पीठ पर चुभ रही होती है, लेकिन जीहू को मज़ा आ रहा होता है। फिर ऑफिस में उनका स्टाफ जिसका नाम लिहान था उसको वहाँ का मैनेजर परमानेंट एम्प्लॉय बना देता है। फिर मैनेजर लिहान के साथ एक ट्रेनर को चुनते हैं जो थे जीहू। फिर जीहू लिहान के साथ ऑफिस में काम करने लगती है और जीहू को ये देखकर जलन हो रही थी। फिर रात को एक टब में जीहू जब नहा रहा होता है तब जीहू मोमबत्ती को पिघलाकर जीहू की पीठ पर डालती है और जीहू को इस चीज़ से मज़ा आ रहा था। और होटल के रूम में जाकर जीहू अपने बेड से जीहू के चेहरे को दबाती है। फिर ऑफिस में जीहू से कहता है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ और मुझको डांटो क्योंकि तुम मेरी मास्टर हो। इसके बाद जीहू की टाई खींचकर उस पर अपनी पूरी भड़ास निकालती है और जीहू को इस डांट से बहुत मज़ा आ रहा था। फिर तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो दोनों छुप जाते हैं। फिर अगले दिन जीहू एक जगह पर जीहू को एक हंटर से पीटने लगती है और उसकी पीठ पर वार करती है और जीहू को इस चीज़ से मज़ा आ रहा था। इसके बाद जीहू की पीठ पर मलहम लगाती है। जीहू उससे पूछती है क्या तुम्हें इस तरह से जख्म खाकर दर्द सहना अच्छा लगता है। तब जीहू कहता है कि दर्द तो होता है लेकिन ये दर्द याद दिलाता है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। फिर जीहू उससे पूछती है कि अगर इतनी खुशी मिलती है तो ये जख्म तुम किसी और को क्यों नहीं देते। तब जीहू कहता है कि मुझे किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी, इसलिए मैं तुम्हें पाकर इतना खुश हूँ। इसके बाद जीहू और जीहू वो दोनों डेट पर जाते हैं और कार में जीहू एक हथकड़ी दोनों के हाथों में लगा देती है, यानी कि अपने और जीहू के, और चाबी को गाड़ी के अंदर रख देती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है जिसका नाम हेमी था और वो उन दोनों को देख लेती है। तभी हेमी से मिलने एक लड़का आता है जिसका नाम पैगविन था। फिर वहीं साथ में जीहू और जीहू डिनर करते हैं। फिर हेमी भी उस लड़के के साथ जिसका नाम पैगविन था उस जगह जाती है जहाँ जीहू और जीहू जाया करते थे और पैगविन हेमी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन हेमी अपने फ़ोन से जीहू को फ़ोन मिला देती है। फिर वहीं पार्क में जीहू अपना फ़ोन उठाती है और वहीं दूसरी तरफ हेमी वो अपने होटल का नाम और रूम बता देती है बातों बातों में। तभी पैंगविन वो हेमी का फ़ोन देख लेता है कि इसने अपने दोस्त को फ़ोन कर लिया। फिर जीहू और जीहू जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं हेमी को बचाने के लिए और वो दोनों उस होटल के रूम में जाते हैं। जब वो दरवाजे खोलते हैं तभी हेमी को वो देखते हैं जो सुरक्षित थी और उसने अपने एक हथियार से जो करंट देता था उससे उसने पैंगविन को बेहोश कर दिया था। इसके बाद वो पैंगविन को बांध देती है उसे रूम में। फिर वो तीनों जब कार में जा रहे होते हैं तब हेमी अपना दर्द उन दोनों को बताती है और वो कहती है कि मैंने जिन लड़कों को भी बुलाया इस काम के लिए वो सब बेकार निकले। फिर एक दिन जब जीहू ऑफिस में होता है तब जीहू को मैसेज आता है और उस मैसेज में जीहू ने लिखा था कि फाइनल प्ले में मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ। और वहीं घर पर जीहू एक रस्सी को थुंग थुंग टॉय पर बांधकर ट्राई कर रही थी। वहीं जीहू जब अपने घर पर था और जीहू का वेट कर रहा था तभी वहाँ हाना आ जाती है और जीहू हाना को जाने के लिए कहता है। तब हाना कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया और वो कहती है कि मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है
अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब जीगू कहता है कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा, लेकिन आज नहीं। फिर हाना कहती है तुम चाहकर भी कभी मेरा एहसान चुका नहीं पाओगे, और वो कहती है कि तुम्हें नाराज़गी दिखाने का कोई भी हक नहीं है, गलती तुम्हारी थी, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। फिर जीगू कहता है कि तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी वजह से किसी के साथ डेट पर भी नहीं जा सकता। फिर हाना कहती है कि मैं कौन से डेट पर जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे हर लड़के से डर लगता है, बोल के तुमने कितना दर्द दिया है मुझे। जीहू कहता है दर्द तो तुमने भी बहुत दिया है, लेकिन तुम कभी ये समझ नहीं पाओगी मेरी सच्चाई जानकर, मेरा दिल तोड़कर, कि तुमने बहुत गलत किया। फिर हाना जैसे जाने लगती है तभी जीहू के फ़ोन में जीहू का कॉल आता है, और हाना जब ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो वहाँ रखी टेबल पर खाने की चीज़ें उनको गिराने लगती है और तोड़ने लगती है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ जीहू आ जाती है, जीहू से पूछती है क्या तुम दोनों एक होगे, तब जीहू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आज भी मुझसे नफरत करती है। वहीं एक दिन ऑफिस में जब रिहान काम कर रहा होता है तभी गलती से एक ऑडियो वो ग्रुप में शेयर हुआ, और वो ऑडियो जीवू और जीवू की रिकॉर्ड आवाज़ थी, और वो सभी के मोबाइल में पहुंच जाती है जो कंपनी के एम्प्लॉय थे। वहीं अगले दिन ऑफिस में जीवू को मैनेजर द्वारा डांट पड़ती है। फिर जीवू के जाने के बाद जीवू मैनेजर से मिलता है, और ऑफिस में जीवू का सब लोग मजाक उड़ा देते हैं। इसके बाद जीवू अपना फ़ोन ऑफ कर देती है, और फिर घर पर जीवू अपने को कसूरवार मानने लगता है। और फिर उस कंपनी के डायरेक्टर्स मीटिंग में जीवू और जीहू को बुलाते हैं, और वो कहते हैं कि आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, और वो उस आवाज़ को सुनते हैं जिसमें जीहू जीहू को मारने के लिए कह रहा था। फिर वो डायरेक्टर उनसे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, जीहू कहती है हमने जो भी किया वो गलत नहीं है, बस जगह गलत थी, इसलिए आप हमसे पर्सनल सवाल न पूछें। फिर डायरेक्टर कहता है आपने इस ऑफिस की सारी हदें पार कर दी है, ये कोई आम कंपनी नहीं है, अगर ये कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट हो जाता तो, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहते, बस हम ये रिपोर्ट बनाएंगे कि आप दोनों रिलेशनशिप में, इसलिए आपने ऐसा किया है। और वो डायरेक्टर्स जीहू और जीहू का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर जीहू गुस्से में आकर कहता है कि मैंने जो भी कराया वो मेरी मर्जी से था, इसमें जीहू की कोई गलती नहीं है। फिर जीहू उनसे कहता है कि मैं जीहू से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ज़िंदगी भर इससे प्यार करूँगा, इसे जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से, मुझे लाइफ में जितने भी लोग मिले उन सब ने मुझे घटिया समझा सिवाय जीहू के, इसने वही किया जो मैंने इसे कहा, ये एक समझदार लड़की है और इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया। और वो जीवू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। फिर जीवू भी उठकर कहती है कि आज के बाद हम सारी गलतियाँ ऑफिस के बाहर ही करेंगे, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।